डिजाइनर ब्लाउज ऑर्डिनरी साड़ी को भी कितना खूबसूरत एंड फ्लॉलेस बना सकता है, ये आप मेरी पिछली ब्लाउज हॉल की वीडियोस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कितने सारे पैकेट्स हैं, एक एक पैकेट में दो दो तीन तीन ब्लाउजेस भी हैं, एक दो तीन चार पांच पैकेट है, एंड देखते हैं इसमें कितने सारे ब्लाउजेस निकलने वाले हैं, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आजकल मार्केट में डिजाइनर ब्लाउजेस बहुत सारे तरीके के अवेलेबल हैं, एंड ऑनलाइन भी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा मीशो इन सब जगहों से डिजाइनर ब्लाउजेस ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो ब्लाउजेस की अनबॉक्सिंग वीडियो भी रहेगी, रिव्यू भी होगा, और मैं ब्लाउजेस आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगी। एक ही वीडियो में इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो एक पैकेट में एक दो तीन एंड चार ब्लाउजेस निकले हैं। चलिए हम एक एक करके सारे ब्लाउजेस देखते हैं। मुझे तो ये ब्लाउजेस अभी बाहर से ही देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ब्लाउजेस की लेंथ ब्रेड साइजेस सब कुछ मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। फर्स्ट ब्लाउज ये ऑरेंज कलर का ब्लाउज है, ऑरेंज कलर का ये ब्रोकेड का ब्लाउज है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लाउज। मुझे ब्लाउज को देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा साइज ऑर्डर कर लिया है। ब्लाउज मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ, बट मुझे इसका छोटा साइज अपने लिए एक्सचेंज में डालना पड़ेगा। स्टूडियो श्रृंगार ब्रांड का ये ब्लाउज है, और आप देख सकते हैं मैंने 42 साइज इसमें ऑर्डर किया है। क्लोज व्यू में इसको देख सकते हैं, इस तरीके से इसमें जरी का वर्क है। लेंथ मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ, लेंथ आपको अराउंड 15 इंचेस मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड लेंथ। मैं हमेशा ब्लाउजेस को मेजर करके जरूर दिखाती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट रिव्यू पता चले। बैक ओपन ये ब्लाउज है। दूसरा ब्लाउज भी मैंने स्टूडियो श्रृंगार का ही लिया है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लाउज। आई एम गोइंग टू कीप दिस, बहुत कम्फर्टेबल भी है एंड स्टाइलिश भी लग रहा है। इसी साड़ी में अगर व्हाइट कलर का वर्क हो रहा है, जैसे मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स बने होते हैं, उस टाइप की साड़ी पर भी ऐसे ब्लाउजेस बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये व्हाइट कलर का सेल्फ वीविंग में चिकनकारी वाला ब्लाउज है, मशीन वर्क ही है ये, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है कपड़े की वो बहुत ही अच्छी है। इस ब्लाउज की लेंथ भी अराउंड 15 इंचेस आ रही है, विच इज नॉट वेरी शॉर्ट। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप देख सकते हैं इसमें तीन साइज से आपको सिलाई दी हुई है। अगर आपको नहीं आता है साइज ठीक, तो आप ये वाली सिलाई ओपन करके पहन सकते हैं, मतलब आप अपनी बॉडी साइज के अकॉर्डिंग इसको ओपन भी कर सकते हैं, काफी मार्जिन दिया हुआ है। व्हाइट कलर में ही एक और ब्लाउज ऑर्डर किया है मैंने, ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ब्लाउज भी ये व्हाइट कलर का ही ब्लाउज है, जिसमें सेल्फ में एम्ब्रॉयडरी हो रही है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लाउज, पैडेड ब्लाउज है ये। मैं बिल्कुल डिटेल में आपको ये ब्लाउज दिखाने जा रही हूँ। वी नेक आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है। इस व्हाइट ब्लाउज की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लोज व्यू में मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा वर्क हो रहा है इस पे, और इसकी कॉटन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पैडेड ब्लाउज है और फ्रंट ओपन है ये। साइड में आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी इसमें लेस लगी हुई है, जिसके कारण ये बहुत सुंदर लग रहा है। जो फ्रंट का गला है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर इंची टेप से। फ्रंट का जो गला है वो 10 इंची है, विच मीन्स बहुत डीप है ये ब्लाउज। अगर आप बहुत ज्यादा डीप नेक नहीं पहनते हैं देन डोंट गो फॉर दिस ब्लाउज, बट आजकल इस टाइप के वी नेक वाले डीप ब्लाउजेस बहुत फैशन में है, तो अगर आपको इस तरीके का फैशनेबल ब्लाउज पहनना है कुछ, देन यू कैन गो फॉर दिस ब्लाउज। इसमें भी एक्स्ट्रा सिलाई दे रखी है और अस्तर का मटेरियल भी काफी अच्छा लगाया हुआ है इसमें। ग्रीन कलर का रेडीमेड ब्लाउज लेने का मेरा बहुत दिनों से मन था, एंड फाइनली मैंने ऑर्डर कर लिया इसको। ये भी बहुत ही सुंदर ब्लाउज है, मटेरियल मुझे बहुत पसंद आ रहा है, डिटेल में आपको दिखा देती हूँ अभी। प्राइसेस थोड़े स्टूडियो श्रृंगार ब्रांड के अच्छे रहते हैं, थोड़े ज्यादा रहते हैं, बट उस प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। नाउ दिस इज द ग्रीन ब्रोकेड ब्लाउज, लुक एट द वर्क, कितना सुंदर फिनिशिंग वाला इसमें वर्क दिया हुआ है। येलो कलर की प्लेन सिल्क की साड़ी के साथ या रेड कलर की प्लेन सिल्क की साड़ी के साथ आप इसको पहन सकते हैं। मटेरियल काफी अच्छा दिया हुआ है इसमें, एंड पीछे अस्तर का भी मटेरियल अच्छा लगा हुआ है इसमें। लेंथ इसकी भी 15 इंचेस है, बैक ओपन है ये ब्लाउज। देखते हैं इसमें कौन सा ब्लाउज है।
वाओ, इट्स अ प्रिंटेड ब्लाउज, फ्लोरल प्रिंटेड ब्लाउज। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपसे कहा था कि आज आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ब्लाउज देखने को मिलेंगे और बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन देखने को मिलेगा। इट्स अ पैडेड ब्लाउज, पैड का साइज मुझे चेक करना पड़ेगा, बट ब्लाउज की फिनिशिंग एंड डिजाइनिंग बहुत सुंदर है। मैं आपको डिटेल में ये ब्लाउज दिखा देती हूँ, बट मेरी तरफ से 10/10 मार्क्स मिलेंगे इस ब्लाउज को। ये पैडेड ब्लाउज है, मुझे इस ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी नहीं आई क्योंकि इसके कप का साइज थोड़ा छोटा है एंड ओवरऑल भी साइज में छोटा है, बट वैसे ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। इसका आप ये जो डिजाइन है ना स्लीव्स पर और नेक पर, ये मुझे बहुत पसंद आया। और कपड़े की जो क्वालिटी है वो भी मैं आपको क्लोज व्यू में दिखा देती हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट लगा हुआ है इसमें। अभी 3 डिजाइनर ब्लाउज और बचे हुए हैं, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, फटाफट मैं आपको ये ब्लाउजेस भी दिखा देती हूँ। पहले कौन सा देखें, पहले हम ये ऑफ व्हाइट मिरर वर्क वाला ब्लाउज देखते हैं। ये मिरर वर्क वाला ब्लाउज पैडेड ब्लाउज है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही डिजाइनर ब्लाउज है और इसके साथ आप कोई भी साड़ी पहनिए, आपकी पुरानी साड़ी भी बिलीव में बिल्कुल नई लगने वाली है। बट इसमें मुझे कुछ कमियां दिख रही हैं जो मैं अभी आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। अगर आप फैशन के कारण उन कमियों को स्किप कर सकते हैं या उन कमियों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस ब्लाउज, बट आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस ब्लाउज क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैं ये ब्लाउज क्यों नहीं रखने वाली हूँ। जब मैं आपको ये ब्लाउज दिखा रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस ब्लाउज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपको क्लोज व्यू में दिखाऊंगी। तो आप इस शीशे की शेप भी देख सकते हैं, सही से कटिंग करके नहीं लगाया हुआ है जिससे ये काफी रिस्की है, आपका हाथ इसमें लगेगा और चुभ सकता है, ये आपको आपकी स्किन इसमें लग सकती है और ये चुभ सकता है। और शीशे की जो क्वालिटी है वो अच्छे से कटिंग नहीं की हुई है जिसके कारण ये ब्लाउज कम्फर्टेबल नहीं रहने वाला है। अगर आपको सिर्फ स्टाइल के पर्पज से चाहिए देन यू कैन गो फॉर दिस ब्लाउज, बट अगर आप कंफर्ट देख रहे हैं, क्योंकि मैं कंफर्ट देखती हूँ, आप देख सकते हैं, देखिए कांच जो है वो किस तरीके के शीशे जो है वो नुकीले काटे हुए हैं, कोने कोने ठीक से नहीं कटे हुए हैं इसके, सो दिस ब्लाउज इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल ब्लाउज। सी दिस, हाउ ब्यूटिफुल दिस ब्लाउज इज, फुशिया कलर, एक तो मैक्सिमम आजकल साड़ियों में ये कलर जरूर रहता है एंड इस पर डिफरेंट कलर के थ्रेड का वर्क हुआ है, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर। डिटेल में मैं आपको इस ब्लाउज का रिव्यू दिखा देती हूँ। नाउ दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लाउज, अभी तक के जो भी ब्लाउजेज मैंने आपको दिखाए हैं उसमें सबसे ज्यादा मुझे यही वाला ब्लाउज पसंद आया है। इसका वर्क देख सकते हैं आप, वर्क की क्वालिटी कितनी अच्छी है, काफी फिनिशिंग से वर्क किया हुआ है एंड कलर भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ब्लू एंड ऑरेंज कलर है। तो कोई भी प्लेन जॉर्जेट की साड़ी के साथ आप इस तरीके के ब्लाउजेस वेयर कर सकते हैं। इस तरीके का डीप वी नेक वाला जो शेप है वो आजकल बहुत फैशन में है। मेक श्योर अगर आप बहुत ज्यादा फ्रंट से डीप गले नहीं पहनना पसंद करती हैं देन डोंट गो फॉर दिस ब्लाउज क्योंकि इसका गला आगे से बहुत ब्रॉड है। अगर आपको बहुत ज्यादा डीप पहनना पसंद है देन यू कैन गो फॉर दिस ब्लाउज। आई थिंक मैंने इस ब्लाउज के बदले कोई और ब्लाउज ऑर्डर किया था। अगर आपको फुल स्लीव्स का ब्लाउज चाहिए और स्ट्रेचेबल ब्लाउज चाहिए देन यू कैन गो फॉर दिस ब्लाउज, इट्स अ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल ब्लाउज, बट मेरे पास रेड कलर के स्ट्रेचेबल ब्लाउजेस ऑलरेडी हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस ब्लाउज। बट इफ यू वॉन्ट टू ऑर्डर, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इन ब्लाउजेस की डिटेल्स देख सकते हैं एंड Amazon से इन ब्लाउजेस को परचेज कर सकते हैं। दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एक फंक्शन में जाना है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पुरानी साड़ियों को ही रीयूज करूँ विद न्यू ब्लाउज, एक नया लुक देकर। अगर आपको कुछ और भी ब्लाउज हॉल की वीडियो देखनी है तो आप क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट वाले वीडियो पे, और अगर आपको साड़ी हॉल की वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप क्लिक कर सकते हैं राइट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।